हमारी भट्टी डो दिन दुनी और रात चोरनी बढ़ाने वाला है। ऐसे इस महाकाव्य में केवल आदिनाथ भगवान का ही वर्णन नहीं, अपन ऐसा मान लेते हैं कि वो प्रथम तीर्थंकर के रूप में आदिनाथ भगवान को याद किया, लेकिन 2400 तीर्थंकर भगवान को भी यदि अपन जोड़ें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, और सभी भगवानों में वे विशेषताएं हैं जो आदिनाथ भगवान में है। दीप अलग अलग होते हैं, दीपक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी ज्योति बोलो सब में एक होती है। इसी प्रकार से तीर्थंकर के नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर के गुण सब में एक रहते हैं। उन्हीं की अपन प्रतिदिन आराधना करते हैं, उसी आराधना के माध्यम से हम भी एक दिन प्रभु बनना चाहते हैं विगत दिनों में, क्योंकि 34 अतिशय सबके हैं, सारे 46 मूल गुण सबके हैं, उनमें अष्ट प्रार्थिहारी है। 34 अतिशय में 8 प्रार्थिहारियों का वर्णन मानतुंडाचार्य कर रहे हैं। उनमें हमने जब अशोक वृक्ष की चर्चा की उस दिन बताया कि किस प्रकार से वह नीलाभ वृक्ष जो है, जिसकी चमकती हुई किरणें सबके संसार को, भले ही शोक से जीने वाले हैं लेकिन अशोक कर देता है। जब वृक्ष भी अशोक हो जाता है तो हम लोग मनुष्यों की बात ही क्या, यह अपन ने बात की। दूसरा प्रार्थिहारी सिंहासन प्रार्थिहारी है। सिंहासन प्रार्थिहारी में बताया कि वह शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। जिस प्रकार से सिंह होता है वह शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, उसी प्रकार से सिंहासन प्रार्थिहारी भी हमारे प्रभु की, जो उनकी छत्र छाया में आता है वह वैसी शक्ति और सामर्थ्य वाला बन जाता है। चंवर प्रार्थिहारी ये बताते हैं कि मानो गंगा जमुना जैसे सुमेरु पर्वत पर दोनों तरफ से बह रही हो, इसी प्रकार से भगवान के दोनों ओर 64 चंवर डुराए जाते हैं। 3 लोक का साम्राज्य जिनके पास है, ऐसे अपन उन 3 लोक के साम्राज्यपति को बारंबार नमस्कार करते हुए 3 छत्र उनके ऊपर सुशोभित होते हैं। उसके बाद में दुंदुभि वाद्य जो भगवान का जयगान कर रहे हैं, जयघोष कर रहे हैं कि चलो चलो चलो, भगवान हमको जगा रहे हैं, अब तो मोह निद्रा से उठ जाओ, अभी भी सोए मत रहो। उसके बाद में पुष्पवृष्टि, कल हमने बताया पुष्पवृष्टि प्रार्थिहार्य कह रहा है कि ये तो पुष्प नहीं, ऊपर से पुष्प नहीं झड़ रहे हैं, भगवान की दिव्य वाणी ही हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। इस प्रकार से 6 प्रार्थिहारी हो गए। आज 7वां प्रार्थिहारी अपन लोग लेंगे भामंडल। 8 प्रार्थिहारी में एक और रह गया, कल उसका अपन लेके फिर परसों से तो पर्युषण पर्व है ही अपने, तो इस प्रकार से हमने अपना आप ही जुड़ जाता है। 8 दिन बचे थे, 8 प्रार्थिहारी हो गए, फिर भट्टामर की चर्चा अभी 10 दिन बाद हो पाएगी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा अल्प विराम आ जाएगा उसमें, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं रहेगी, और ज़्यादा भक्ति के अंदर आप लोग झूमेंगे। तो आज भामंडल प्रार्थिहारी की हम जो महत्वपूर्ण प्रार्थिहारी है उसकी बात करें, उससे पहले अपन जो आचार्य भगवान ने काव्य दिया है वो स्वयं उनके अर्थ शब्दों को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास भी अपन करेंगे। सुम्बत प्रभावले भूरि विभा विभोस्ति, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति, प्रोदद्दिवाकर
निरंतर भूरी संख्या। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम। भामंडल प्रातिहार्य, आठ प्रातिहार्य में, प्रातिहार्य का मतलब तो आप जानते होंगे क्योंकि यहाँ रोज प्रतिदिन नए नए लोग बदलते रहते हैं। अब तीर्थ क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र है तो वहाँ पर यात्रियों का आवागमन चलता ही रहता है, लेकिन कुछ स्थायी हैं और कुछ परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील ज़्यादा रहते हैं, वो लोग ज़्यादा होते हैं। तो और बता देते हैं, प्रातिहार्य का मतलब होता है भगवान की शोभा युक्त चिन्ह, जो भगवान की शोभा को दर्शाने वाले होते हैं। प्रतिहार शब्द से प्रातिहार्य बना है। प्रतिहार का मतलब होता है किंकर, सेवक, है ना। जैसे मोदी जी यदि कहीं जाएं तो आगे पीछे उनकी एस्कॉर्ट कितनी बोलो, 500 जवान आगे पीछे इधर उधर सब तरफ चल रहे हैं, ये सब प्रातिहार्य के रूप में। तो ये तो एक अदने से की बात है। यदि मान लीजिए तीन लोट के नाच की बात करेंगे तो उनकी तो छटाई निराली है। तो यहाँ पर भी वही प्रातिहार्य की बात है। इस प्रातिहार्य में दो विशेषताएं, भामंडल, भा का मतलब होता है आभा, मतलब प्रकाश, भा का मतलब चमक, प्रकाश, और मंडल का मतलब घेरा। एक प्रकाश का घेरा, जिसको आजकल की भाषा में ओरा बोलते हैं, ओरा, ठीक है ना, ओरा। अभी चर्चा करेंगे, पहले अपन शब्दों का अर्थ देते हैं। मानतुंडाचार्य के कि हे विभो, आप देखिए विभो शब्द आया है, कहाँ आया, पहली पंक्ति में ही, ते विभो, इसको पहले तोड़ लें। सुम्बत प्रभा वले भूरी विभा विभोस्ते, तो विभो अलग हो जाएगा, ते अलग हो जाएगा। लोटत्रय द्वितीय मताम, द्वितीय अलग माक्षिपंक्ति, प्रोद समास हो गया। प्रोदत दिवाकर एक शब्द है, फिर उसके बाद में निरंतर भूरी संख्या दीप्त्या जयत्यम अपि, जयति और अपि शब्द निकलेगा इसमें से, सोम सौम्याम एक, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखेंगे, ते आपके विभो, हे प्रभो आपके सुम्बत यानी शोभायमान, प्रभावले भामंडल, प्रभावले यानी चमकने वाला जो भामंडल है, वले यानी गोलाकार, तो भामंडल की भूरी विभा अत्यधिक कांति, निशाम अपि रात्रि को भी जयति जीत रही है। हे प्रभु, आपके भामंडल की जो शोभा है उसकी अत्यधिक कांति रात्रि को भी जीत रही है। आगे बता रहे हैं कि लोटत्रय, दूसरी लाइन देखो, दूसरी पंक्ति में, लोटत्रय तीनों लोटों में द्युतिमताम, सभी कांतिमान पदार्थों को आक्षिपंती, आक्षिपंती का मतलब होता है लजा रही है, तिरस्कृत कर रही है, यानी तीनों लोकों में वह जो भामंडल की आपकी जो कांति है वो सभी कांतियों को लजा रही है, फीका कर रही है, उसके सामने कोई दूसरी कांति नहीं। प्रोदित दिवाकर यानी उदित होते हुए निरंतर, निरंतर यानी निरंतर लगातार भूरी संख्या, बहुत संख्या वाले, सैकड़ों करोड़ों वाले दीप्त्या दीप्ति से अपि भी सोम सौम्याम, चंद्रमा के समान सौम्य हैं। फिर से देखें एक बार अर्थ और कि हे प्रभु, अपने शब्दों में बताता हूँ, हे प्रभु शोभायमान भामंडल की आपके पीछे जो शोभा प्राप्त कर रहा है वह भामंडल अत्यधिक कांति वाला, जो रात्रि को भी जीत रहा है, तीनों लोकों के सभी कांतिमान पदार्थों को लजा रहा है, और करोड़ों सूर्य भी, उसकी दीप्ति भी
चंद्रमा के समान आपकी बिल्कुल सोम सोम्याम, वह सोम्य लगती है। प्रकाश और प्रताप दो चीज होती है, ठीक है ना। तो आप में प्रकाश तो करोड़ों सूर्य का है, लेकिन प्रताप नहीं, वह तो सौम्य है। कैसा? चंद्रमा जैसा। सोम यानी चंद्रमा होता है, सोम और सौम्य यानी सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना, बिल्कुल कोमल कोमल, अच्छा लगने वाला। आप लोग तो हर चीज सॉफ्ट ही पसंद करते हैं, हार्ड तो पसंद करते ही नहीं है, नहीं आता क्यों? सब चीज सॉफ्ट ही सॉफ्ट ही चाहिए। दिल भले ही हार्ड हो, दिल को ऐसा कठोर बना लिया है कि उस दिल के कठोर बनाने के चक्कर में ही तो सारी की सारी आपकी सॉफ्टी सॉफ्टी चीजें पसंद करते हैं, भले ही वो किसी भी चीज से बनी हो। वर्तमान में अपन ने महावीर भगवान के आभा मंडल को नहीं देखा, या और अन्य किसी केवली श्रुत केवली के आभा मंडल को नहीं देखा, लेकिन आचार्य श्री जी के 500 मीटर, वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध भी किया है कईयों ने, कि 500 मीटर में आते ही उसके दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। वो क्या बोलने आया है, क्या सोचकर आया था, सब भूल जाता है। बस इनको देखता रहूं और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये गुरु जी का प्रताप है, उनका आभा मंडल का ये तेज है। इस प्रकार से अपन उसको देखते हैं, तभी होता है। आभा मंडल के माध्यम से बंधुओं ऐसा कहा जाता है कि भगवान के भामंडल, जब तीर्थंकर के समूह शरण में कोई भी जाता है तो जैसे ही भामंडल पर दृष्टि पड़ती है तो तीन भाव पिछले और तीन भाव आगे वाले अगले और एक भाव वर्तमान का, ऐसे सात भाव उसको स्पष्ट नजर आने लगते हैं। स्पष्ट वहां समूह शरण में जो बावड़ियां अभी मैं ध्यान करवाऊंगा, यहाँ पे दस लक्षण जी में आपको एक दिन समोसरण का, एक दिन नंदीश्वर दीप का, एक दिन 10 दिन में अलग अलग ध्यान करवाएंगे हम पूरे। तो वो ध्यान आपको अद्भुत यानी जो है ना उसका नजारा होगा। टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी व्यवस्थाएं बना रहे हैं लोग, और कमेंट्री हम जो है करेंगे, तो उसके माध्यम से आपको वो यहाँ पर साक्षात देखने को मिलेगा कि जो बावड़ियाँ होती है समोसरण में, उनमें तीन भाव, एक भाव पिछला, एक भाव अगला और बीच वाला वर्तमान का जो अपना चल रहा है, ऐसे तीन भाव नजर आते हैं और भामंडल के देखने पर सात भाव नजर आते हैं। मेरा चिंतन गया कि सात भाव क्यों नजर आते हैं, तो सात भाव इसलिए कि सात जो है ना अंक वो बहुत अच्छा है। सात फेरे खाए ना आपने, है ना, सात ही फेरे होते ना। जैसे भगवान को केवल ज्ञान होता है, जैसे भगवान का जन्म कल्याण जन्म होता है, तो तीर्थ देवता लोगों का आसन, सौदर मिश्र इंद्र का आसन कंपायमान होता है, और कंपायमान होकर तुरंत अवधि ज्ञान से जानता है ओहो भगवान का जन्म हो चुका है। अपने आसन से उठता है, 60 कदम चलता है, परोक्ष रूप से दंडवत प्रणाम करता है सौदर मिश्र इंद्र। अभी वो पहुंचा नहीं है, ये 60 कदम, 7 फेरे, 7 जन्म तक उससे बात नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए उसके घर नहीं जाऊंगा। बोलते हो नहीं बोलते हो, जो बैर बांधने वाले हैं ऐसे भी, और 7 समंदर पार से मैं तेरे लिए वो लेके आ जाऊंगा, ऐसा सुना है क्या आप लोगों ने, ऐसे बोल देते हो आप लोग। तो ये सब क्या है, सब में साथ 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 हैं, है ना। जब आचार्य श्री जी के साथ में दुर्लभ सागर जी और हम और 5 मुनि महाराज, जिनमें सौम्य सौम्याम इसमें सौम्य भी आया है, तो सौम्य सागर जी महाराज भी थे, तो ऐसे 7 मुनि राज हम थे। तो हमने एक बहुत अच्छी बात उस समय कि सर्दी का मौसम, शाम को 7 बजे आचार्य श्री जी के कक्ष में 7 मुनिराज प्रातःकाल 7 बजे तक साथ साथ रहते थे। क्या बोला? शाम को 7 बजे 7 मुनिराज बिल्कुल एक भी बार नहीं रहेगा, 1 सेकंड बार, 1 मिनट भी लेट नहीं, 7 बजे होना ही है। 6 बजे से वैयावर्ती शुरू होती थी, लेकिन आचार्य श्री जी जैसे ही सामान्य बैठना उसके पहले नज़र उठा के यदि देख लिया तो पूरे पाटे फिलअप चाहिए, है ना,
वो भले ही फिर रात में कोई एकाध गायब हो जाए तो अलग बात है, नहीं होगा वो भी। हाँ, तो इस प्रकार से तो ये थी, तो सात जो है वो पूर्णता का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? पूर्णता का प्रतीक है। भगवान के चरणों में आकर जो उनके भामंडल का दर्शन करेगा और उनकी आभा में जो आ जाएगा वो भी भगवान की तरह पूर्ण हो जाएगा, ये इसका प्रतीक कहलाता है। इस प्रकार से आज अपन ने इस भामंडल प्रातिहार्य का लिया। बंधुओं, कई बार ये भी प्रश्न आता है कि भामंडल में कैसे संभव है सात भाव देखना, तो इसका भी एक उत्तर दे देता हूँ संक्षेप में कि जैसे ही भगवान के सामीप्य में आते हैं, जब इंद्रभूति गौतम का मान गलित हो सकता है तो हमारे भीतर भी अनंत शक्तियाँ प्रकट हो सकती है। लंडा लूला भी एक पैर सीढ़ी पर पांव रखते हुए एक सेकंड में ऊपर पहुंच सकता है। हमारे अंदर का ज्ञान का क्षयोपशम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और जब चेतना घनीभूत हो जाती है तो सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को पुनर्जन्म की बातें भी याद आ जाती है उनको, है ना, पहले क्या हुआ था मेरे साथ में, ऐसा क्या हुआ था, ये सब चेतना के माध्यम से होता है। कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर का एक उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम करूँगा कि आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो चीज़ होती है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में जो कुछ फाइलें होती है, अगर उन फाइलों में वायरस लग जाए तो क्या होता है, वो फाइलें चली जाती है और डिलीट हो जाती है, वो मान लीजिए वहाँ से मिट जाती है। और एंटीवायरस उसमें डाल दे तो वो फाइलें तुरंत वापस भी आ जाती है। बस हमारे ऊपर मोह का इतना घनीभूत वायरस लगा हुआ है कि हमको आगे की कुछ और पीछे की कुछ बातें नज़र नहीं आती। हम संसार के रंग में ऐसे रंग पच से गए हैं, ये वायरस ही ऐसा है। यदि प्रभु का एंटीवायरस उस पर चढ़ा लोगे तो उसके बाद में वो सब कुछ नज़र आने लगेगा कि हम क्या थे और आगे क्या होंगे। अपने प्रभु के दर्शन से और उनके भामंडल से यही शिक्षा कि हम भी वैसे बन पाएं और अपने उस एंटीवायरस को इतना मजबूत कर लें कि कभी वायरस लगे ही नहीं। इसी भावना के साथ में मैं वाणी को विराम दूं। पद्यानुवाद रह गया, चलो ये और ले लो, टाइम तो हो गया। तीन लोक के सुंदरता यदि मूर्तिमान बनकर आवे, तन भा मंडल की छवि लटकर तव सन्मुख शर्मा जावे, कोटि सूर्य के ही प्रताप सम किंतु नहीं कुछ भी आताप, जिसके द्वारा चंद्र सुशीतल होता निष्प्रभ अपने आप, चंद्रमा भी निष्प्रभ हो जाता है। ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य मानतुंड स्वामी के द्वारा भक्ति में लीन होने का क्या गुण, क्या सूत्र है, ऐसे उन सूत्रों को अपन जान रहे हैं भक्तामर के माध्यम से। किस प्रकार से हम भी भगवान आपकी तरह भक्ति करें, जिस प्रकार से आप ताले तोड़कर मुक्त हो गए, हम भी इस बंधन को तोड़कर मुक्त हो जाएं। इसी भावना के साथ में आप लोग यहाँ पर उपस्थित भी हैं और भक्ति भाव भी करते हैं। सबका एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि बस यह जन्म और मरण, इन दोनों का जो बंधन है, उस बंधन को तोड़कर इस सिद्ध भूमि में जैसे अनंत सिद्धों ने अपने निजत्व को प्राप्त कर लिया, वैसे हम भी अपने निजत्व को प्राप्त करें। विगत दिनों में भगवान के जो 34 अतिशय होते हैं, उन 34 अतिशय में 8 प्रातिहार्य भी, 34 अतिशय के साथ में 8 प्रातिहार्य भी होते हैं और 4 जो है अनंत चतुष्टय को मिला देते हैं तो 36 मूल गुण, 46 मूल गुण बन जाते हैं। अरियंत परमेष्ठी कितने मूल गुण होते हैं? 46 होते हैं, समझ में आया?
तो ये 46 मूल गुण हैं। उनमें अष्ट प्रातिहारी की चर्चा विगत दिनों से यहाँ पर चल रही है और हम उसके प्रतीक अर्थों को भी बताते आपको चले जा रहे हैं। आज अंतिम प्रातिहारी की बात करना है। पहले तो एक आहार एक उपवास चल रहा है, तो हमने सोचा आज छुट्टी मना लें, कल का अंतराय भी था, लेकिन हमने देखा एक दिन आज एब्सेंट रहेंगे, तो फिर आगामी जो पर्वराज पर्युषण पर्व है उसमें थोड़ा सा क्योंकि फिर 10 दिन आपको अलग ही एक माहौल मिलेगा, तो भैया प्रातिहारे का प्रकरण पूरा कर दो। ऐसी भावना के साथ में सबने निवेदन भी किया, नहीं महाराज जी आज कर लो, तो ठीक है भैया करते हैं। तो 8 प्रातिहारी कौन कौन से, पहले नाम बताओ, पूजा में अभी पढ़ रही हैं देखो पीछे, हाँ बोलो कौन कौन से होते हैं। दिव्य विटप पौपन की वर्षा, छत्र चमर बामंडल भारी, ये तुम प्रातिहारी मनहारी। ये मन को हरण करने वाले 8 प्रातिहारी होते हैं। बस ये 2 लाइनें याद रख लो, एक की है जैसे चाबी में धागा होता है ना, तो वैसे और बातें याद नहीं रह पाएगी, लेकिन ये 2 लाइन याद हो क्योंकि रोज बोलते हैं, याद रह जाएगी। तो पहला मैंने बताया था असुट प्रातिहारी, दूसरा सिंहासन, तीसरा चंवर, चौथा छत्र, पांचवा दुंदुभी, छठा पुष्प वृष्टि, सातवा कलापन ने क्या किया था भामंडल, और आज जिसकी चर्चा करनी है दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि। ये 8 प्रातिहारी होते हैं। इनके प्रतीक अर्थ मैंने बताया था कि अशोक वृक्ष जो शोक को दूर कर दे, ये तो अर्थ आप जानते हैं, लेकिन या जिसके नीचे आ जाए तो भगवान की छत्र छाया में आ जाए तो शोक दूर हो जाता है, लेकिन वो धैर्य का प्रतीक है। काय का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है। जो चिंता तनाव और अवसाद को दूर करने वाला, उसको उस 28वें काव्य का जाप करो, उस 28वें काव्य का ध्यान करो, उस 28वें काव्य की भावना करो, समझ में आया, तो आपकी चिंता अवसाद और तनाव दूर हो जाएगा। 29वां काव्य आलस्य को दूर करना है, जो लेट उठते हैं उन बच्चों से मेरा कहना है कि वो 29वें काव्य का, जो कि हमें शक्ति का शौर्य का प्रतीक सिंहासन प्रातिहारी है, और तीसरा था फिर चंवर प्रातिहारी, जो शांति को देने वाला, जिनको बात बात पर गुस्सा आता है, क्रोध को दूर भगाने वाला 30वां काव्य, और फिर आगे 31वें काव्य में मैंने बताया था अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी, अपनी दरिद्रता दूर करना चाहते हो, 31वें काव्य जो छत्र का प्रतीक पुष्टि को देने वाला, पुष्टि का प्रतीक है। पांचवा दुंदुभी प्रातिहारी है, जो यश और कीर्ति को फैलाने वाला है, हमारी यशोपता का चारों ओर फैले इस भावना के साथ में, यह 32वां। और फिर 33वें में पुष्प वृष्टि, जो माधुर्य का प्रतीक बताया था, मधुरता का प्रतीक, सुगंधता का प्रतीक है, चारों ओर वचनों में वाणी में माधुर्य घोलना चाहते हो तो इस पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का आप प्रतिदिन भावना भाव उसको बार 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 उच्चारित करेंगे संस्कृत वाला काव्य, तो आपकी वाणी में माधुर्य आ जाएगा। और कल मैंने बताया था भामंडल, जो क्रांति का प्रतीक है, क्रांति को देने वाला है, हम जैसे भाव करते हैं हमारे चारों तरफ वैसा ही ओरा, हाँ, हाउ टू सी ओरा एक पुस्तक का नाम है, आप अपने ओरे को कैसे देखें, किस प्रकार से देखें, कुछ देखने की जरूरत नहीं, हमारे आचार्यों ने तो हजारों साल पहले ही ग्रंथों में लिख दिया, अशुभ परिणाम करेगा तेरे चारों ओर काला काला रिफ्लेक्शन नजर आएगा, शुभ परिणाम करेगा तेरे चारों ओर बिल्कुल स्वर्णमयी और चमकता हुआ पीला पीला ओरा नजर आएगा। भगवान के चरणों में आते ही आप देखते हैं, कई बार रूप को नहीं देखना है, रूप काला हो सकता है, नीला हो सकता है, लेकिन रूप के साथ में हमारे नेमिनाथ भगवान नीलवर्णी बोलो, लेकिन उनके चारों ओर की चमक देखते हैं तो सब फीकी पड़ जाती है। वो श्री कृष्ण जो चचेरे भाई थे वो भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाए, तो मुंह से संट फूंकते हो, लो मैं नाक से ही फूंक दूंगा,
हाँ वो नाथ सैया पे चढ़ने के लिए तुम इतना पुरुषार्थ कर रहे हो, हम कुछ नहीं, एक टांग उठा लेंगे और ऊपर सो जाएंगे उस पे जाके। इस प्रकार से तीर्थंकर के अंदर में उनका तो बात ही क्या। अभी वर्तमान में भी कल मैंने कहा था कि अपन देखो लेस्या होती ना, लेस्या और कुछ नहीं, यही तो है, हो रहा ही है। अशुभ परिणाम करोगे, अशुभ भाव करोगे, कृष्ण नील कापोत अशुभ लेस्या आपके अशुभ परिणाम है, जिसके माध्यम से झगड़ालू जीवन होता है, अहंकारी जीवन होता है, नकारात्मकता जीवन होता है, पर की आलोचना करने की बात बात में पर की आलोचना, अपनी प्रशंसा करने वाले होते हैं उनके चारों ओर ऐसा ही हो रहा नजर आएगा, कोई बैठना भी पसंद नहीं करता उनके पास। और जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो समता रखते हैं, जो सरलता रखते हैं, जो सहिष्णुता रखते हैं, जो क्षमा रखते हैं, कल से आ रहा है 10 लक्षण पर्व, उनके चारों ओर शुभ ओरा होगा, वो पीत पद्म और शुक्ल, ये 3 शुभ लेस्या है, ऐसा ये मेंटल आपको बताया था। ये प्रकरण थोड़ा छूट गया, अभी मैं एक दिन ध्यान कराऊंगा 10 दिन में, तो एक दिन आपको केवल इसी के बारे में ही, अष्ट प्रातिहार्य के बारे में ही पूरा आपको ध्यान लेके चलेंगे, और किस प्रकार से वो अष्ट प्रातिहार्य देदीप्यमान होते हैं और हम अपने अंदर के जो गुण हैं उन गुणों को भी उन अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से भगवान की तरह हम कैसे बने, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा 40 मिनट देखेंगे, जैसा समय मिल जाएगा तो ये अपन ध्यान भी करेंगे। तो अभी मैं बोल रहा था आज दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य की चर्चा है, पहले आचार्य मानतुंड स्वामी के चरणों में चलकर उनके शब्दों को देखते हैं और फिर उसके बारे में आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा। देखते हैं 35वां नंबर काव्य, पहले मैं बोलता हूँ, दोहराएंगे आप लोग। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ट है, सदर्म तत्व कथनैक पटु त्रिलोक्या, दिव्य ध्वनिर् भवति ते विशदार्थ सर्वे, भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। हाँ, इसमें भगवान की दिव्य ध्वनि की उन विशेषताओं को आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि भगवान आपकी दिव्य ध्वनि जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, कैसा लगता है, जब अपन गुरु जी की वाणी सुनने बैठते हैं तो कैसा लगता है, आचार्य श्री जी के शब्दों को सुनते हैं कैसा लगता है, बस गुरु जी बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे और हम सुनते ही रहे, कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं, 2-4 दिन मौन हो जाते हैं तो अंदर में उत्ताहट होने लगती है, हे भगवान अब ये भगवान कब बोलेंगे, कब बोलेंगे। ऐसे आप देखो, यदि आचार्य श्री जी का अभी 8 दिन तक 9 दिन तक वहाँ प्रवचन नहीं हुआ था नेमावर में, तो लोगों में ऐसी उत्ताहट, अब तो भगवान बोल दें, तो आचार्य श्री जी ने जब अपना प्रवचन शुरू किया तो बोला 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी नहीं बोले थे तो कैसा लगा था, बोलो 66 दिन तक, अभी तो मेरे तो 8-10 दिन हुए हैं, तो उसमें उठलाहट हो गई, लेकिन लगता तो है ये भगवान की वाणी का प्रताप होता है। भगवान की वाणी के पहले शब्दार्थ देखते हैं और उसके बाद में इस श्लोक में बड़ा ही ये एक यानी जो ना बोलने की शैली होती है, आप देखो स्वर्गाप वर्ग, अब ये रेप 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 वाले एक जगह शब्द दे दिए, 8 बार आचार्य मानतुंड स्वामी ने रेप लगाई ऊपर, है ना, रेप के माध्यम से पहली लाइन में ही 4 बार लगा दी। तो यहाँ पर स्वर्गाप वर्ग यानी स्वर्ग यानी आप सब जानते हैं स्वर्ग होता, अपवर्ग यानी मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष गम मार्ग यानी मार्ग बताने वाली है, गमन करने वाली, विमार्ग नेष्टे उसका, और जो विमार्ग की ओर नहीं ले जाती, और दूसरा शोध करने वाली है, अन्वेषण करने वाली है, ऐसी। तो पहली विशेषता बताई, हे भगवान आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष को मार्ग बताने वाली और विमार्ग को निरस्त करके अच्छा मार्ग सन्मार्ग का अन्वेषण करने वाली। अभिष्ट त्रिलोक्या, त्रिलोक्य के प्राणियों को हित कर, त्रिलोक्या यानी 3 लोक के कौन प्राणी, उन प्राणियों के अभिष्टा अभिष्ट है,
सद्धर्म तत्व कतनेट पटु यहाँ है कि सद्धर्म, सद्धर्म का जो तत्व है उसके कथन में पटु है, पटु बोलने में चतुर, कोई उसके सामने टिके नहीं सकता है, एक टके का जवाब देते ही साइलेंट। संसार के सारे मत आपकी वाणी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जब पूर्व में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, बड़े बड़े शास्त्रार्थ, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, बड़े बड़े विद्वान उधर से भी वो अपने धर्मों का पक्ष रख रहे हैं और इधर से जैन धर्म वाले भी रखते थे, वो एक दूसरे में ऐसा लगता था घमासान, जैसे आचार्य श्रीधर के पास में पहले वाचनाएं होती थी, अब तो सब बंद हो गया क्योंकि अब विद्वान भी नहीं बचे, वैसे विद्वान ही नहीं है, पहले धुरंधर विद्वान होते थे, पन्ना लाल जी साहित्याचार्य है ना, जगन मोहन लाल जी शास्त्री साहित्याचार्य है, और कोटिया जी न्यायाचार्य है, इस प्रकार सागरमल जी दिवाकर न्यायाचार्य, ये नाथूलाल जी प्रेमी, ऐसे दिग्गज जो जैन धर्म के एक एक मर्म को जानते थे और सामने वाले को ऐसा जवाब देते थे कि वो अनेकांत और साधुवाद के माध्यम से साइलेंट हो जाता था। हे भगवान, आपकी वह दिव्य ध्वनि गुंजायमान भवती होती है, सब तरफ वह गुंजायमान होती है। पांच विशेषताएं यहां पर आचार्य मानतुन बचा रहे हैं, पहली याद रखना, स्वर्गापवर्ग दायिनी अभिष्ट त्रिलोक्या सद्धर्म तत्व कथनेट पटु और विस्तार्थ स्पष्ट और सर्वभाषा परिणत, सर्वभाषाओं में परिणत हो जाती है। चार बार दिव्य ध्वनि यह खिड़ती है भगवान की वैसे तो, लेकिन कोई विशेष पात्र आ जाए, आज आठों प्रातिहारियों का उपसंहार रूप में दिव्य ध्वनि के रूप में देखा कि किस प्रकार से दिव्य ध्वनि ओंकारमयी होती है। ओंकारमयी कुछ विशेषताएं और भी है, ओंकारमयी मतलब सर्व, सब लोगों को अपनी अपनी भाषा में, बंगाली को बंगाली में, मराठी को मराठी में, गुजरात को गुजराती में, मारवाड़ी को मारवाड़ी में, और बुंदेलखंडी को बुंदेलखंडी में समझ में आ जाती है, निमाड़ को निमाड़ वालों को निमाड़ी में समझ में आ जाएगी, अपनी अपनी भाषा में, त्रियंश को त्रियंश की भाषा में समझ में आ जाती है। और भी इसमें विशेषताएं ओंकारमयी, ओंकारमय ओम जो होता है ना, ओम पंच परमेष्ठी का आप देखो, अभी बताऊंगा, ध्यान कराऊंगा जब, कि ओम जो है वो पांच कैसे बना। पहला सबसे अर्यंत का ए, सिद्ध अशरीरी ए, ए और ए, आ आचार्य का आ, आचार्य का आ मिला है तो आ, उपाध्याय का ऊ, आ और ऊ संधि कर दो ओ, और साधु का मुनि मैं ओम, और तीन लोट का भी कथन करने वाली ओंकार में ही होती है ना। आप जो है अधो लोट का ए, उर्दू लोट का ऊ, ए और ऊ को मिलाओ ओ, और मध्य लोट का मैं ओम, ऐसी ओंकार में ही यह दिव्य ध्वनि जो सर्वांग से खिड़ती है, कहीं कहीं मुख से उच्चारण भी आया, अक्षरी नहीं या अनक्षरी नहीं, अक्षरी सबको अपने अपनी भाषा में समझ में आती है। इतना ही रखते हैं क्योंकि समय भी आपका पूर्ण हो गया है। आप हम लोगों के लिए दिव्य ध्वनि कारण बने, आज वर्तमान के युग में ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वर्तमान के युग में कंप्यूटर का युग है, और कंप्यूटर के युग में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो चुके हैं कि आज तो फिर आप लोगों ने देखा होगा, एक अच्छा उदाहरण याद आ गया आप लोगों के पुण्य से, कि पुराने जमाने में दो वो प्लेट वाले चलते थे, दादाजी वगैरह देखे होंगे, ऐसे ये इतने बड़े वो नहीं होते थे, एम्पलीफायर जो होते थे, वो एम्पलीफायर ऐसे तस्तरी होती थी रखे भी जैसी है ना, और वो घूमती रहती थी, जब मैं बहुत छोटा था तब की बात बता रहा हूँ, और आप लोग तो और बड़े हो हमसे तो उम्र के हिसाब से, तो वो वाली चलती थी, और उसके पहले की बात बता रहे हैं कि पत्थर के, जापान में ऐसे भी रिकॉर्डर मिले जो पत्थर के दो प्लेट रहती थी, उनमें शब्द संग्रहित करके और प्रसारित किए जाते थे। जब वर्तमान में आप लोग शब्दों को, ध्वनि को इतने इस रूप में संग्रहित करके प्रसारित कर सकते हैं, तो क्या भगवान के अंदर में जो ऊर्जा को इतनी घनीभूत कर लिए हैं तपस्या के माध्यम से, जो ऐसे तपस्वी सम्राट हैं,
क्या उनकी वाणी सबको समझ में नहीं आ सकती? बोलो, आ सकती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये एक यानी भगवान का एक अतिशय तो है ही दिव्य ध्वनि, लेकिन अतिशय के साथ में दिव्य ध्वनि यहाँ अष्ट प्रातिहारियों के माध्यम से भी एक उनकी शोभा, ऐसी शोभा जो भगवान के माध्यम से अनेकों 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 त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, सब अपने अपनी भाषा में समझते हैं। इस प्रकार से हम भी उस वाणी को समझकर, देखो निज मत नहीं होना चाहिए, जिन मत होना चाहिए। जिन वाणी हो, निज वाणी नहीं हो। आज क्या होता है, उसको यथावत लगाओ, यथायोग्य नहीं। आप लोग क्या करते हैं, यथायोग्य लगा लेते हैं, जहाँ जैसा काम चलता है, हाँ यहाँ पर ऐसा फिट कर दो, हाँ भैया ठीक है ऐसा, हाँ भैया ऐसा, नहीं। यथावत जैसी की तैसी उसको समझने की, लेकिन करें क्या, वर्तमान की यह हुंडा अवसर्पणी काल, अवसर्पणी काल ही है। कुछ बातों को अंडरलाइन किया जाता है और कुछ बातों को अंडरग्राउंड, हाँ कुछ को हाईलाइट करके बता रहे हैं। समय सार आदि में भी जहर घोल दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। अपने लिए तो आचार्य कुन कुन के जो वाक्य हैं वो प्रमाणित हैं, उनको प्रमाण मानो और अपना कल्याण करो, तब तो हो जाएगा, अन्यथा कल्याण संभव नहीं। इतना ही रखेंगे। आगामी पर्वराज पर्युषण पर्व जो है आ रहा है, और उस पर्वराज पर्युषण पर्व में कल से आप लोग अपने अपने जो है क्या बोलते हैं उसको, परिताप, उषण, उषण यानी गर्मी भी होती है, दाह भी होता है ना, तो इन सबको धोने आए हैं। आराधना भी होता है, वस धातु वसना भी होता है, परि उपसमंतात वस धातु का प्रयोग किया, तो वस से उ बना, उषण कल बताएंगे ये सब। तो इस प्रकार से पर्युषण, तो कुछ लोग उपवास की मानसिकता ही बना रखे हैं, भगवान के निकट आना है बस, और कुछ नहीं, और वो सब इन्हीं बातों के माध्यम से आ सकते हैं, अन्यथा दूरियां बढ़ती चली जाती है। और जब बहुत दूरी बढ़ जाती है तब हमको नज़र आता है, हे भगवान ये क्या हुआ, आप तो बहुत दूर हो चुके हैं, तब अपन को समझ में आता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं, अपन को इन 10 दिनों में आनंद, उत्साह, उमंग, दिन दुनी, रात चोरनी, 52 गजा का पूरा आनंद लेना है। बड़े बाबा के चरणों में आ गए, अब और कुछ भी टेंशन मत रखो, सब छोड़ दो, और इन 10 दिनों में आनंद के साथ में अपनी यात्रा अपन तय करेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।